हेलो गाइज, हम और हमारी रेणु जी निकल लिए हैं सावन महीने के हरियाली तीज के कार्यक्रम के लिए। कायस्थ सभा का यहाँ पे कार्यक्रम है और ये श्री चित्रगुप्त भगवान के सामाजिक संस्था है, उसका ये कार्यक्रम है। यहाँ पे हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और हम लोग यहाँ के संस्था के लोगों से भी मिले हैं। फर्स्ट टाइम मैंने वृक्षारोपण का जो वीडियो डाला था उसमें मैं इन लोगों से मिली थी, मेरा ये सेकंड टाइम मिलना हुआ है। और अभी हम इस संस्था से नए नए जुड़े हैं, तो अभी हमें बहुत जानकारी यहाँ के बारे में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिल करके और आगरा में इस संस्था को ज्वाइन करके। और यहाँ के कार्यक्रम में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आए हैं सभी महिलाएं, ग्रीन ग्रीन पहनी है, सभी ने 16 श्रृंगार किए हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा होने जा रही है, दीप जला के यहाँ के जो मेन अध्यक्ष महोदया हैं उनका स्वागत किया गया है और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आराधना की जा रही है। सो गाइज, कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग के सामने हो चुकी है। महिलाओं ने ढोलक बजा करके भगवान गणेश का गीत गाया है और उसके बाद सारे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। मेन चार पांच गीत गाने के बाद यहाँ कार्यक्रम पे रैंप वॉक और कार्यक्रम में हुआ है और कुछ गेम्स वगैरह भी हुए हैं। सभी महिलाओं ने खूब भरपूर सहयोग किया है और सभी के सहयोग की वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें शिखा जी हैं, हमारी रुचिता जी हैं, सोनिका जी हैं और काफ़ी लेडीज़ हैं जिनके मैं नहीं नाम जान पा रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे खाली, तो हम लोगों ने बीच में बनाया अपना वीडियो और मेहंदी का, क्योंकि ये सावन का त्यौहार मेहंदी और सजावट और चूड़ी बिंदी इन सुहागिनों के 16 श्रृंगार से ही ये हरियाली तीज का कार्यक्रम संपन्न होता है और इसी को कार्यक्रम को करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डांस हम लोगों ने भी किया है सबके कार्यक्रम के साथ में, सबको देख करके अपना भी मन कर जाता है, तो हम लोगों ने भी किया है। हम लोगों को भी अच्छा लगा है यहाँ पे सब लोग। मेरी मामी है मेरे साथ, रेणु जी हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डांस कर रहे हैं सबके साथ में, क्योंकि रुका नहीं जाता जब सबको डांस करते देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया है। छोटे बच्चे हैं दो तीन, इन लोगों ने भी छोटा सा कार्यक्रम किया है, दो तीन गानों पे डांस किया है, बहुत प्यारा डांस बच्चों ने किया है। और इन लोग की ड्रेस भी बहुत अच्छी है, सबकी एक सी ड्रेस है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें चूड़ी की काउंटिंग है, तो हम लोग भी अपनी अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चूड़ी पहनने वालों को प्राइज़ मिला है। सो गाइज, हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा नहीं पहनी थी, लेकिन जिन लोगों ने पहनी थी उनको प्राइज़ मिला है। फिर सभी लेडीज़ ने डांस भी किया है, जिनके नाम थे, जिन्होंने पहले से अपना नोट कराया था कि हमें डांस करना है या जिन्हें गीत गाना है, उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम को किया, तो बहुत अच्छा लगा। एक हमारे यहाँ इसमें आई थी बिटिया, उसका नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ, याद नहीं है मुझे, लेकिन उसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया है और उसको यहाँ सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे कोई निकल जाते हैं, अच्छे पदों पे आ जाते हैं, तो पूरी मेहनत वसूल हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा रैंप वॉक शुरू हो चुका है, यहाँ पे कैटवॉक, और ये लोग आकर के यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। सभी बहुत सुंदर दिख रही हैं सभी महिलाएं, और सभी ने पूरे जोश के साथ में कार्यक्रम को किया है और ये रखा है पूरा गिफ्ट का सामान, ये सबको सम्मानित करने के लिए और देने के लिए रखा गया है कि यहाँ पे जो जो कार्यक्रम में प्राइज़ जीतेगा उसको देने के लिए। हमने और रेणु जी ने अपनी छोटी छोटी सी एक फ़ोटो खिंचा ली है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे गए तो झूले पे बैठ के फ़ोटो खिंचाना तो बनता है, क्योंकि हरियाली तीज का कार्यक्रम और झूला झूलना तो शुभ माना जाता है। तो झूला हम लोगों ने झूला, वहाँ पे छोटी छोटी सी फ़ोटो खिंचाई, फिर हमने मेहंदी वाले हाथों की फ़ोटो बनाई क्योंकि जो कि मुझे वीडियो में और रील में काम आने वाली थी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत खुश होकर के महिलाओं ने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरा सपोर्ट किया उन लोगों ने कि हाँ ये वीडियो बना रही। फिर हम लोगों का टाइम हो गया था, 8 से 9 बज रहा था, काफ़ी देर कार्यक्रम चला। फिर हम लोगों को वहाँ पर डिनर डिब्बे मिले हैं, और इसको भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी लोग खा रहे थे, और ये यूथ हॉस्टल है तो इसमें बाहर से भी घूमने के लिए भी जो लोग आते हैं वो भी थे वहाँ पे, तो उनको भी डिब्बे मिले थे और हम लोगों को भी मिले थे। एक छोटी सी पोटली हम लोगों को मिली थी जिसमें हम लोगों का रिटर्न गिफ्ट था, जिसमें सुहाग पिटारी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग को छोटा छोटा सामान, बिंदी, लिपस्टिक और रुमाल, कड़े, ये इस तरह से 7 से 8 चीज़ें उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट में दी। फिर रात हो गई थी तो हम लोग खाना खा के गिफ्ट लेके निकल लिए हैं, काफी रात थी तो मामी को हम लोगों ने छोड़ा है, फिर रेणु जी संडे शाम थी तो सोमवार को कांवड़िया जल चढ़ाते हैं, उसी हिसाब से निकल रहे थे। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में, हर हर महादेव लिखिएगा। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।